गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 8 चैप्टर 7 पार्ट 3। पार्ट 2 तक हमारा हो गया था। पार्ट 3, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड यूरोपियन मार्केट्स। अब यूरोपियन मार्केट्स, इंडियन टेक्सटाइल का यूरोपियन मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, देखते हैं इधर पे कि इंडियन टेक्सटाइल जो थी, जो यूरोप में बिक रही थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वहाँ की इकोनॉमी पे। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी लिखा है, अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है। वरीड बाई दी पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चेंज इन इंग्लैंड। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वॉज नोन एज द कैलिको एक्ट। अब इधर पर क्या लिखा है, एक्चुअली हुआ क्या था, इंडियन टेक्सटाइल्स यूरोप में जा रही थी। अब यूरोप में क्या था, अब यहाँ के कुछ अगर यूरोप में जा रहे हैं और जो यूरोप के लोग कॉटन टेक्सटाइल्स बना रहे हैं, तो उनके कॉटन टेक्सटाइल्स बिक नहीं रहे। क्यों नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे के जो गुड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गुड्स थे, एकदम फाइनेस्ट प्रोडक्ट था इंडिया का, हर जगह डिमांड थी बहुत बड़े एक्सटेंट तक, ठीक है। ब्रिटिशर्स इसे काफ़ी पसंद करते थे, तो जो वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं वो बेच नहीं पा रहे थे अपने गुड्स। उन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि जो भारत से गुड्स आ रहे हैं उसे आप बंद करा दीजिए, अदरवाइज़ हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इन 1720। अब 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया, कैलिको एक्ट। उस एक्ट में क्या हुआ, उस कानून में क्या हुआ कि जो इंडिया से गुड्स जाते थे चिंट्स, ठीक है, उसे बैन कर दिया गया। अब कैलिको, कैलिको मतलब हर वो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडिया से जाता था उसे कैलिको बोलते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कैलिकट से निकला तो उसका नाम कैलिको पड़ गया, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल की वजह से यूरोप में प्रोडक्ट नहीं बिकता था। अब देखिए यूरोप में प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, उनका ही प्रोडक्ट वहीं बनाया हुआ नहीं बिक रहा है, तो होता क्या है, वो लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया कि बैन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग हमसे टक्कर तो ले नहीं पा रहे थे, जीत तो नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बैन करवा दिया। नेक्स्ट, एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड, अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वॉन्टेड अ सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाई प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिजाइंस वर नाउ इमिटिएटेड इन प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ। देखिए होता क्या है कि अगर कोई कम्पीट नहीं कर पाता है तो फिर वो क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट करता है, ये लोग हमसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, लिखा है ना, अनेबल टू कम्पीट विथ इंडियन टेक्सटाइल। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। जैसे हम लोग तो यूरोप में गुड्स भेज रहे थे, पर वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर रही थी, पर उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिया भारत का यहाँ प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए एक्ट पास करवाना पड़ा क्योंकि वो लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, लिखा है अनेबल टू कम्पीट विथ इंडियन टेक्सटाइल, उनको अपनी कंट्री में सिक्योर मार्केट चाहिए था, ठीक है। तो फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, इंडियन डिजाइंस वर नाउ इमिटेटेड। अब देखिए पेन तो हो गया प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे थे कि हमको कोई चीज़ एक बार पसंद आ गई, और हर जगह ऐसा होता है कोई एक बार चीज़ पसंद आ गई तो वो तो चाहिए, पर भारत से तो गुड्स जा नहीं रहे थे, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है इमिटेटेड, इमिटेटेड इट मीन्स नकल उतारना, उन लोगों ने एग्जैक्टली हमारे जैसे कपड़े कि कपड़ों की नकल उतारना स्टार्ट की और वही चीज़ वो बेचने लगे। अब जैसे ही मैं एग्जांपल समझिए ओप्पो का, अगर हम मोबाइल लाते हैं तो हम उस पर ये थोड़ी नहीं देखते कि, या ये श्योरिटी थोड़ी नहीं लेते कि वो इंडिया में बनाए कि चाइना से बनाए, ठीक है। तो हमें पसंद आया समझो ओप्पो का मोबाइल, तो हमने ओप्पो का मोबाइल ले लिया, चाहे वो चाइना से आए चाहे इंडिया से। वहाँ के लोगों ने कैलिको का जो कॉटन टेक्सटाइल है कैलिको, वो डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया, नकल करना स्टार्ट कर दिया। कॉम्पिटिशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन के, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। अब हुआ क्या, भारत का प्रोडक्ट वहाँ जाना बंद हो चुका था, तो उन्होंने सोचा भारत जैसा प्रोडक्ट देना है, ठीक है, तो उन्होंने नकल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद भी फिर उन्होंने सोचा, अब हुआ क्या कि बहुत अच्छे से हमें प्रोडक्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो लोग लेंगे नहीं, क्योंकि हमने भारत का तो प्रोडक्ट हटा दिया है, लोगों को आदत तो इसी की है, हम नकल तो कर रहे हैं, प्लस और इतना अच्छा ऑफर करें कि जिसकी वजह से क्या है, ये लोग हमसे श्योर शॉट ले ही लें, इन्हें बहुत पसंद आना चाहिए प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कॉटन मिल होती है, कॉटन मिल क्या होता है, एक वो जगह जहाँ पर कॉटन से
धागा होता है, धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, और कपड़े से फिर जैसे कपड़ा बन गया, कपड़े से फिर शर्ट्स वगैरह बनी या पैंट्स बने, कोट बने, ठीक है। तो स्टार्टिंग से सब कुछ वहीं पर होता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया इंग्लैंड में, इन 1764 स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन के, एक जॉन के हैं जिन्होंने स्पिनिंग जेनी इन्वेंट किया था। अब स्पिनिंग जेनी क्या होता है, जैसे चरखा होता है ना, ठीक है, तो चरखा चलाते हैं तो सूत से क्या होता है, धागे से कपड़ा बनता जाता है, ठीक है, सूत कटता है, धागे से कपड़ा बनता जाता है। तो एक पर्सन चरखा चलाता है, एक रोज आती है धागे की, उससे फिर एक कपड़ा बनता है। पर स्पिनिंग जेनी में क्या था, बहुत नंबर ऑफ स्पिंडल्स थे, रोज़ बहुत ज़्यादा थी, तो चलाता तो एक ही पर्सन था, लेकिन समझिए एक पर्सन का काम, वो स्पिंडल जेनी एक पर्सन को यूज़ करके 20 लोगों का काम करती थी, क्योंकि इसमें देखा जाए तो स्पिंडल्स बहुत थे, ठीक है, स्पिंडल्स बहुत थे, मतलब वो जो रो रहती है धागे काटने की, धागे से एक कपड़ा एक रो में नहीं बन रहा था, 10 रो में बन रहा था, पर उस स्पिंडल जेनी को चलाने के लिए एक ही पर्सन चाहिए था, ठीक है। तो जॉन के ने किसका इन्वेंशन किया, स्पिनिंग जेनी का। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड ऑकराइट, रिचर्ड ऑकराइट ने क्या किया था, अब सबसे पहले रिचर्ड ऑकराइट ने कॉटन मिल का इन्वेंशन नहीं किया था, कॉटन मिल का इनके पास आइडिया आया था, और किसका, स्टीम इंजन का आइडिया। इन्होंने कहा कि जो कॉटन मिल है उसमें हम स्टीम इंजन लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होगा, समझिए जैसे पहले क्या होता था, बैल के थ्रू हल जोतते थे, ठीक है, पर अगर ट्रैक्टर आ जाए तो ट्रैक्टर देखा जाए तो 50-60 बैलों का काम इकट्ठा अकेले कर सकता है, बड़े से बड़े खेत का। वैसे ही क्या हुआ, रिचर्ड ऑकराइट ने कॉटन मिल में स्टीम इंजन लगा दिया, जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से ताबड़तोड़ प्रोडक्शन बढ़ा। 1786 में क्लोथ कुड नाउ बी वोवेन इन इमेंस क्वालिटी एंड चीपली टू। अब क्योंकि मशीन से प्रोडक्ट बन रहा था तो अच्छा प्रोडक्ट बन रहा था, उसके साथ साथ अच्छा प्रोडक्ट बनने के साथ साथ बहुत अच्छी क्वालिटी में बन रहा था, ठीक है, क्वालिटी बहुत थी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत वास्ट क्वांटिटी में बन रहा था, ठीक है, और एक सस्ते रेट का प्रोडक्ट था, जो कि हम बेचेंगे तो काफ़ी आसानी से मार्केट में बिक जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यूड टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक इंडियन टेक्सटाइल काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बिक रहे थे, कहाँ पे, यूरोप में, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं जा रही थी, हम बहुत अच्छे से यूरोप में बेच रहे थे, पर 18th सेंचुरी तक, ठीक है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। आपको एक बात बताए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो यूरोप था ये वेस्ट में था, ठीक है, और हम राइट साइड पे थे ईस्ट में। तो अब हुआ क्या कि सारी कंपनीज वेस्ट से चलकर, समझिए जैसे करके इंडिया था, यहाँ पे यूरोप था, तो यूरोप से सारी कंपनीज, ये इंडिया है तो यूरोप यहाँ पे था, तो यूरोप से सारी कंपनीज चल के ये इंडिया में आई थी, ठीक है, इंडिया को ढूंढते ढूंढते वेस्ट से आई थी ईस्ट की तरफ, इसलिए इनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यूड टू डोमिनेट ट्रेड टिल द 18th सेंचुरी। अब देखिए यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं, डच, फ्रेंच, इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। अब पहले क्या होता था, जब तक ये वेल नहीं हुआ था उसके पहले तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही थी इंडियंस के लिए, क्या हो रहा था, यहाँ से प्रोडक्ट जाता था, यहाँ से वो लोग एक सस्ते रेट में प्रोडक्ट ले जाते थे, वहाँ के लोगों को प्रोडक्ट बड़ा पसंद आता था, तो ब्रिटिशर्स यहाँ से प्रोडक्ट ले जाते थे, कुछ वहाँ के बिजनेसमैन वहाँ पे बेचते थे, तो वहाँ पे बेचते थे तो वो लोग काफ़ी हाई रेट में बेचते थे, जिसकी वजह से इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, है ना, ये भी खुश थे हम भी खुश थे। फ्लरिशिंग ट्रेड, फ्लरिशिंग ट्रेड मतलब पनपने वाला ट्रेड, जो काफ़ी अच्छे से बूस्ट मिलता है जिन्हें, ठीक है, तो ये इतना अच्छा ट्रेड था जिससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला था, यहाँ से चीप रेट में ले जाते थे, वहाँ हाई रेट पर बेचते थे, तो एक मेन चार्म था जिसकी वजह से ये यहाँ पर आकर्षित हुए। दीज कंपनीज परचेस्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाई इम्पोर्टिंग सिल्वर। पहले क्या होता था, ये लोग कॉटन टेक्सटाइल यहाँ से लेते थे, उसके बदले में हमें पैसे देते थे या सिल्वर देते थे, गोल्ड देते थे, तो हमें क्या होता था, हमें मतलब एक्सचेंज होता था, प्रॉपर एक्सचेंज होता था, वन साइडेड एक्सचेंज नहीं, हमारे पास गोल्ड सिल्वर आया, हमने इन्हें कॉटन टेक्सटाइल दे दिया, तो एक काफ़ी हेल्दी कॉम्पिटिशन होता था, हेल्दी कॉम्पिटिशन इट मीन्स हेल्दी ट्रेड था, ठीक है, जैसे अभी होता है। बट एज यू नो चैप्टर टू, When the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenue from peasants and zamindars in India and this revenue to buy Indian textile. देखिए पहले क्या होता था, हम उन्होंने हमें गोल्ड सिल्वर दिया, हमने उसके बदले में उन्हें कॉटन टेक्सटाइल दिए, उन्होंने भी हमसे पैसा का वो यहाँ से गुड्स लेकर गए, हमने उनसे पैसा कमाया, फिर ये लोग जाके वहाँ बेचते थे, तो
वहाँ क्या होता था, ये लोग जो लोग यहाँ से ले जाते थे ब्रिटिशर्स वहाँ बेचते थे तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। पर वहाँ के जो कुछ लोग थे बिजनेसमैन जो वहाँ के यूरोप के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उन्हें सफ़र करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनके गुड्स बिक नहीं रहे थे। तो फिर क्या किया, गवर्नमेंट को बोला क्या बैन लगा दो, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, ठीक है। बैन लगाने के पहले तो काफ़ी अच्छा हेल्दी ट्रेड था, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अब हुआ क्या था, यहाँ पे लिखा है ना, बट एज यू नो व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, क्या हुआ था, सबसे पहले हेल्दी कॉम्पिटिशन था, उसके बाद बैन लग गया। बैन लगने के बाद ना क्या हुआ, जो यूरोपियंस थे ना उन्होंने ना पॉलिटिकल पावर, मतलब यहाँ को ना पॉलिटिकल पावर यहाँ की गेन कर ली, पॉलिटिकल पावर गेन कर ली उन्होंने, यहाँ पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अब फिर वो लोग ना हर चीज़ में इंटरफेयर करने लगे, उनको बंगाल प्रोविंस, सबसे पहले ना उन्होंने बंगाल प्रोविंस पर कब्जा किया था, तो बंगाल का उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, क्या करते थे, यहाँ पे आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने फिर क्या किया, देखिए आए थे वो लोग ट्रेड करने पर रूल करके गए यहाँ पे। तो फिर ये लोग ने यहाँ पर आए, इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स ज़मींदार्स इनको क्या बोलते थे कि खेती करो इसके बदले में हमको टैक्स दो, तो देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को टैक्स दिया। अब ब्रिटिशर्स को टैक्स दिया फिर ये लोग क्या करते थे, इन्हीं पैसों से हमारे गुड्स खरीदते थे और ले जाते थे। तो देखा जाए तो भारत का पैसा भारत में ही, क्योंकि कुछ भारतीयों से ज़मींदारी का पैसा लिया, रेंट लिया, फिर इसी पैसों से दूसरे भारतीयों से टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल ली, मतलब यहाँ का पैसा यहाँ देकर और ऊपर से यहाँ से गुड्स लेकर चले गए, ठीक है। तो यहाँ का पैसा यहीं पर दे दिया और लेकिन हमसे गुड्स लेकर बाहर चले गए, फिर वहाँ पर बेचे, तो ऐसा करते थे वो लोग। यहाँ पे लिखा है, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल इट नो लॉन्गर हैड टू इंपोर्ट प्रीशियस मेटल्स टू बाय इंडियन गुड्स, मतलब इंडियन गुड्स बाय करने के लिए फिर वो लोग मेटल्स इंपोर्ट नहीं करते थे, ज़मींदारों से पैसा लिया, कॉटन टेक्सटाइल वालों को पैसा दिया और गुड्स लेकर चले गए, एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाय इंडियन टेक्सटाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज, हु वर द वीवर्स, वीवर्स कौन थे, हु मेक्स क्लोथ, ठीक है। वीव करना मतलब होता है बुनना, ठीक है। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब देखिए वीवर्स मतलब जो कपड़े बुनते थे, ठीक है। अब कपड़े इतने शानदार इसलिए बनते थे क्योंकि लोग इतने अच्छे से बुनते थे, इतनी बारीकी से बुनते थे, ठीक है, इतनी अच्छी नक्काशी थी इनकी। दीज स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ऐसा होता है जैसे आपने ये देखा होगा, ये इधर पे क्या हो रहा है कि अब फादर है ये अपने छोटे अपने बच्चे को सिखा रहा है, या भाई ऐसा कह सकते हैं। ये लोग क्या करते थे कि जनरेशन बाई जनरेशन ये स्किल्स पास होती थी, जैसे कारपेंटर है तो वो कारपेंट्री कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है, फिर उसका बच्चा जो है वो भी यही कर रहा है, फिर उसकी आने वाली जनरेशन यही कर रही है, तो ये स्किल्स ना पास होती जाती थी, ठीक है, एक जगह से, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ये लोग क्या करते थे, कॉटन से धागा बनाते थे, फिर धागे से कपड़ा बनाते थे। अब देखिए कुछ वहाँ की जो कमिटीज़ हैं ना, कमिटीज़ मतलब जो ये वीवर्स की कमिटीज़, उनका नाम दिया गया है, द टांटी वीवर्स ऑफ बंगाल, द झूलास ऑफ और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, साले एंड काइलकोलर एंड देवांगास ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कमिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। ये वहाँ के जो वीवर्स थे उनके ग्रुप को बोला जाता था, क्या क्या बोला जाता था, टांटी वीवर्स ऑफ बंगाल, झूलास और मोमिन्स वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साले, ठीक है, वो साले लिखा है, साले काइकोलर एंड देवांगास ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कमिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग, देखिए अब जो वीविंग होती थी तो वीविंग तीन स्टेज में होती थी, स्पिनिंग वीविंग और डाइंग। अब क्या होता था, स्पिनिंग वीविंग और डाइंग, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग, वर्क डन मोस्टली बाई वुमेन, वुमेन ये ज़्यादातर काम करती थी, क्या होता था, चरखा रहता था, तो चरखे से हम क्या करते थे, सूत काटना मतलब होता है कि चरखे पे हम कॉटन से धागा बनाते थे, ठीक है, चरखे से धागा बनाते थे कॉटन को यूज़ करके, कॉटन को स्पन करके मतलब धुन के फिर उससे धागा बनता है, धागा बना लिया, उसके बाद धागे को ना एक टकली, अब टकली क्या होता है, आपने लट्टू सुना है, लट्टू जो एक टॉप स्पिन घुमाते हैं, वो लट्टू में उसमें क्या है, रोल कर दिया जाता था, क्या रोल कर दिया जाता था, लट्टू चला कर नहीं, एक लट्टू टाइप का एक टकली था, उसे उसमें क्या कर दिया था, धागा रोल करके रख लिया जाता था, ठीक है। तो कॉटन से धागा बनाया, धागे को फिर रोल करके उस टकली में रख लिया। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग, फिर द चरखा एंड द टकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, चरखा इन टकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या, धागा लपेट कर रख लिया जाता था। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन दी चरखा एंड रोल्ड ऑन टकली, जो थ्रेड था
चरखे से उसमें कपड़ा बनाते थे, सॉरी धागा बनाते थे, फिर धागे से क्या है वो टकली पर रोल कर लेते थे, धागा सॉरी कपड़े धागे को टकली पर रोल कर लेते थे। व्हेन द स्पिनिंग वॉज ओवर द थ्रेड वॉज वोवन इन टू क्लोथ, स्पिनिंग ओवर होगी उसके बाद क्या कर लिया, थ्रेड को से क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. In most communities, weaving was task done by men. देखिए क्या होता था, चरखे से कॉटन से धागा निकालना और उसको टकली पर रोल करना वुमेन का काम था, फिर वीविंग करना मतलब धागे से कपड़ा बनाना किसका काम था, मेन्स का। वीविंग वॉज टास्क डन बाई मैन, अब ये हो गया। उसके बाद डाइंग, डाइंग में क्या मतलब होता है, डाई करना जैसे कलर चढ़ाना उस पर। फॉर कलर्ड टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइड बाई दी डायर, डायर क्या करता था कलर चढ़ाता था, डायर को क्या बोलते थे रंगरेज, यहाँ पे लिखा है नोन एज रंगरेज। फॉर प्रिंटिंग क्लोथ्स द वीवर नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज छिपीगार्स। देखिए क्लोथ को डाई करना, डाई करना मतलब पूरा कलर करना, ठीक है जैसे ब्लू है तो पूरा ब्लू कर देना, ठीक है समझिए कॉटन टेक्सटाइल वाइट कलर का था, शर्ट को ब्लू करना है तो पूरा ब्लू डाई करवा दिया। अब होता है शर्ट में सिर्फ एक वाइट शर्ट है उसमें एक ब्लैक फूल बनवाना है तो होता है प्रिंटिंग, ठीक है। तो जो डाई करते थे उन्हें बोला जाता था रंगरेज, जो प्रिंट करते थे उन्हें बोला जाता था छिपीगार्स। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। जो हैंडलूम वीविंग था ना, ठीक है, प्रिंटिंग का ऑक्यूपेशन स्पिनिंग का, इसकी वजह से क्या है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ था, बहुत सारे लोग इस चीज़ पर डिपेंड थे। डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।